नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुजाता किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ अष्टमी नौमी दसवीं में बनने वाला हलवा, सूजी का हलवा की रेसिपी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। एक बाउल सूजी यहाँ पे लिए है, एक बाउल से थोड़ा कम चीनी, एक चम्मच किशमिश, चार इलायची दरदरी कूट ली है, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, 7 से 8 बादाम जिन्हें हमने कट कर लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं और हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है घी। घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सूजी यानी कि रवा। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को अब कर लेंगे हम कम। मैंने यहाँ पे घी का यूज़ किया है, आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। मीडियम और हाई के बीच में गैस को रखना है और इसे चलाते रहना है। जब हल्का ब्राउन होने लगे सूजी तो गैस को कम कर लें और चलाते रहें। 2-3 मिनट हो गए हैं इसे चलाते हुए। अभी इसका कलर हल्का चेंज हुआ है तो अभी हमने गैस की फ्लेम को कर लिया है कम, नहीं तो हमारी सूजी जलने लगेगी। तो अभी हम इसे और भूनेंगे। 4 मिनट हमें लगातार चलाते हुए इसे हो गए हैं। गैस की फ्लेम हमने कम ही रखी है। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, ये अच्छे से भून चुकी है। ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चीनी नहीं खाते हैं या घर में कोई चीनी नहीं खाता है तो आप इसकी जगह गुड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने चीनी डाली है अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल किया है, गरम किया हुआ पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। हलवा जब भी आप बनाएं तो उसमें गरम पानी ही ऐड करें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब आप गुड़ का बनाएं, गुड़ का हलवा बनाएं तो ये गुड़ पानी को जब आप पानी रखें गैस में तो इसमें थोड़ा गुड़ भी ऐड कर दें और जितना आपको यूज़ करना है उसके अनुसार इसमें गुड़ के टुकड़े कर दीजिए और उसे गुड़ का पानी बना के आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं इस तरीके से। गैस की फ्लेम को अब हम बढ़ा लेते हैं। बहुत ही आसान है, चीनी की जगह आपको गुड़ का यूज कर लेना है अगर आप चीनी नहीं खाते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरी कूटी हुई इलायची, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे किशमिश, आप कोई भी अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसे बना सकते हैं। आप ऐड कर लेते हैं बादाम, अच्छा उबाल आने तक हमें इसे चलाते रहना है। गैस की फ्लेम को अब हमने कम कर लेना है। देखिए इसमें बबल उठने लगे हैं, हलवा हमारा पकने लगा है तो गैस की फ्लेम को कम कर लेते हैं और इसे चलाते रहते हैं। तले से स्पून को लगाते हुए चलाते रहना है इस तरीके से। गैस की फ्लेम को यहाँ पे कम कर लें, नहीं तो देखिए बबल उठ रहे हैं। अगर गैस की फ्लेम ज़्यादा होगी तो ये बबल अपने ऊपर ही आएंगे। तो गैस की फ्लेम को हम पहले ही कम कर लेते हैं। अब हलवा भी हमारा थोड़ा ठीक होने लगा है, अभी हम 2 मिनट और इसे पकने देते हैं।
हलवे को हमें 4 से 5 मिनट हो गए हैं चलाते हुए। देखिए हलवा हमारा पक चुका है अच्छे से, तो हम इसे निकाल लेते हैं एक थाली में, गैस को बंद कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक थाली ली है, आप किसी भी प्लेट में या फिर थाली में ही आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम सारा हलवा प्लेट में डाल देंगे। इसे हम पूरी थाली में अच्छे से फैला लेंगे बराबर करके। पूरी थाली में हमने इसे फैला लिया है। इसमें ऐड कर लेंगे सूखा नारियल जो कि ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो ऐड कीजिए नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। हलवे का थोड़ा ठंडा होने का हम वेट करेंगे, तब तक हलवा हमारा सेट हो जाएगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हल्का ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। छोटे या बड़े आप किसी भी साइज में कट कर सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी सूजी सेट हुई है, बहुत ही अच्छे पीस निकल रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे कन्या पूजन में, सप्तमी अष्टमी नौमी दसवीं कभी भी आप इसे बना सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप इसे बनाकर खा सकते हैं, इसे स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी हमारी सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम न्यू रेसिपी के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।